हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का मिनिमम मार्क्स। क्या आप लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कितना मिनिमम मार्क्स लाना होगा, या फिर आना चाहिए कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए, और टॉप के ब्रांच के लिए कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए। साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का लास्ट कट ऑफ क्या है, लास्ट आपका कितना रैंक होना चाहिए, और लास्ट कितने रैंक पर आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, ओपन रैंक से क्लोजिंग रैंक, सभी ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अगर आप लोग WEG एग्जाम दिए हो तो WEG एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट नोटिस आता है, रिजल्ट डेट, काउंसलिंग डेट, सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो याद से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और ये जो कट ऑफ है सभी स्टूडेंट लोगों के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है लास्ट राउंड का। ओके, तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तब भी आप लोग इसको देख सकते हो, और वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है तब भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और ये कट ऑफ लास्ट राउंड का है। ओके, तब लोग देख सकते हो जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसका लास्ट राउंड का ओपनिंग रैंक 69 है, वहीं पे 100 में ब्रांच जो है क्लोज हो गया था। आईटी ब्रांच यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 160 में ओपनिंग है, वहीं पे 180 जो है क्लोजिंग रैंक है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 300 ओपनिंग रैंक है, 484 क्लोजिंग रैंक है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 400 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 487 में क्लोज हो गया था। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 500 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 670 जो है क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 196 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 323 जो है क्लोजिंग रैंक है। वहीं पे ETEC ब्रांच की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 110 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 170 जो है क्लोजिंग रैंक है। और देखिए जो PDF है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर भी काफी सारा PDF होगा, तो वहाँ से आप लोग ये भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 400 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 600 में क्लोज हो गया था। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 668 जो है ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 710 क्लोजिंग रैंक है। बायो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की बात करें तो 600 जो है ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 715 जो है क्लोजिंग रैंक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें तो 180 जो है ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 365 जो है क्लोजिंग रैंक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 220 जो है ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 380 क्लोजिंग रैंक है। मेटलर्जी इंजीनियरिंग की बात करें तो 490 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 580 जो है क्लोजिंग रैंक है। पावर इंजीनियरिंग की बात करें तो 540 जो है ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 600 में ब्रांच क्लोज हो गया था। प्रिंटिंग इंजीनियर की बात करें तो 600 जो है ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 700 जो है क्लोजिंग रैंक है। तो ये था आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो आप देख सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी काफी कम सीट रहता है। तो मिनिमम मार्क्स की बात करें तो देखिए, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट है, एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपका 90% सीट जो है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट लोगों के लिए रिजर्व रहता है, बाकी 10% सीट जो बचता है वो आपका वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट लोगों के लिए रहता है। तो आप लोग के लिए काफी कम सीट रहता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो लोग वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट थे। तो अगर आपका अच्छा रैंक आता है, 1000 के अंदर रैंक आता है आपका, तो काफी ज्यादा चांस है कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो अगर आप लोग का मार्क्स 130 प्लस आ रहा है तो काफी ज्यादा चांस है कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से है तो। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 120 प्लस में आपको टॉप का ब्रांच मिल जाएगा, वहीं पर 100 प्लस में आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है, 100 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो काफी ज्यादा चांस है कि आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल सकता है, और 120 प्लस आ रहा है तो टॉप का ब्रांच मिल सकता है। और वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट है तो आपको टॉप 50 में रैंक आना होगा, तभी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस और IT जैसे ब्रांच मिलेगा, नहीं तो बाकी ब्रांच का कट ऑफ तो आपने देख लिया। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो आप लोग 130 प्लस मार्क्स के चलिए, तभी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में पूरा चांस है कि आपको कोई ना कोई ब्रांच में सीट मिल जाएगा। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, वीडियो कहीं खत्म करते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।